राजनेता और राजनीति, इस नई पेशकश में आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं महेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एमपी न्यूज टीवी। ऐसा माना जाता है कि मध्य प्रदेश की राजनीति में युवाओं का बोलबाला आने वाले समय में होगा, और ये भी कहा जा रहा है कि दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आने वाले मिशन 2023 में युवाओं पर दांव लगाने जा रही है। ऐसे में विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी का एक ऐसा युवा चेहरा है जो कि दिन रात लड़ाई लड़ता है, सत्ता के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाता है और युवाओं के लिए हर हद तक सियासत की हर सीमा को पार कर जाता है। हम बात कर रहे हैं युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया की। जूनियर डॉक्टर से सियासत के डॉक्टर बने डॉक्टर भूरिया इन दिनों लगातार सुर्खियों का विषय भी बने हुए हैं। अपने अब तक के सियासी सफरनामे में वो खुद को एक जुझारू और एक नौजवानों के नए चेहरे के तौर पर अंकित करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। क्या वाकई में डॉक्टर भूरिया की कहानी जानने समझने के बाद उनके एक अलग राजनीतिक व्यक्तित्व को हम देख पा रहे हैं, और क्या आने वाले कल में वो झाबुआ क्षेत्र से लेकर तमाम आदिवासी अंचल में आने वाली विधानसभा सीटों पर अपना जादू बिखेरने जाने वाले हैं? क्या है उनकी राजनीतिक कहानी, आइए देख लेते हैं एमपी न्यूज की इस खास रिपोर्ट। सियासत में सुर्खियां बटोर रहे डॉक्टर विक्रांत भूरिया, आदिवासी इलाकों में दम दिखा रहे डॉक्टर विक्रांत भूरिया, युवाओं के लिए अलग अलग अभियान चला रहे भूरिया, आदिवासी सम्मान यात्रा निकाल रहे डॉक्टर विक्रांत भूरिया। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया पेशे से डॉक्टर हैं। 2018 से विक्रांत सक्रिय राजनीति में एक्टिव हुए और विधानसभा चुनाव में पार्टी ने उन्हें झाबुआ विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में उतारा था, लेकिन उन्हें अपने पहले ही चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। लेकिन विक्रांत के पिता के लंबे राजनीतिक अनुभव और आदिवासी वोट बैंक पर मजबूत पकड़ के चलते अब उन्हें कांग्रेस में बड़ी जिम्मेदारियां मिली हैं। डॉक्टर विक्रांत भूरिया लगातार आदिवासी हितों के लिए काम करते नजर आते हैं। जहां आदिवासी युवाओं के लिए विक्रांत भूरिया लगातार अलग अलग अभियान भी चलाते हैं। हाल ही में डॉक्टर विक्रांत भूरिया प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से आदिवासी स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं, जहां इस यात्रा का उद्देश्य आदिवासियों के सम्मान की रक्षा करना और उन्हें न्याय दिलवाना है। विक्रांत भूरिया के पिता कांतिलाल भूरिया दिग्विजय सिंह के करीबी माने जाते हैं। शायद यही वजह रही है कि उनके बेटे विक्रांत को युवा कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए दिग्विजय सिंह का समर्थन मिला था। जबकि राजनीतिक जानकारों की माने तो मालवा निमाड़ में आदिवासी वोटर्स निर्णायक माने जाते हैं, लिहाजा दिग्विजय सिंह ने एक तीर से दो निशाने लगाते हुए एक तरफ आदिवासी वोटर्स को रिझाने की कोशिश की और इस पद पर अपने समर्थक को कमान सौंपने से क्षेत्र में भी पकड़ बनाने की कोशिश भी रही। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।